किलोड़ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस समय डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के चुनाव हो रहे हैं सभी पदों के लिए, और काफी अच्छे अच्छे एडवोकेट्स इसमें जो है चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उन सभी एडवोकेट्स को? मैं उन सभी एडवोकेट्स को ये कहना चाहूंगा कि बार के इलेक्शन से पहले सभी लोग हमें अप्रोच करते हैं एज अ न्यूली इनरोल्ड एडवोकेट्स, बट वो जीतने के बाद हमें कहीं भूल जाते हैं, वो हमारे बारे में नहीं सोचते हैं, वो सिर्फ हमें वोट तक तो हमारे साथ रखते हैं, उसके बाद हमें एकदम भूल जाते हैं, हमारे लिए कोई ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करते। और एडवोकेट एक रॉयल प्रोफेशन ज़रूर है, बट न्यूली इनरोल्ड एडवोकेट्स को बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, एज अ फाइनेंशियल परेशानी भी बहुत सारी हमें उठानी पड़ती है, कोई सभी घर से अच्छे नहीं होते हैं जी, तो वो जो उनका प्रोफेशन है, पैशन है, वो मजबूरियों के तले दब जाता है और वो कहीं और अपने आप को ट्राई करते हैं कि हम कहीं बाहर चले जाए जहाँ पे उन्हें कुछ अर्निंग मिल जाए। तो मैं बस यही चाहूँगा कि हमारे लिए जो न्यूली इनरोल्ड एडवोकेट्स है, कुछ टाइम तक हमें सेटल होने के लिए कुछ ऐसा बार की तरफ से स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाए ताकि हम बार में प्रैक्टिस कर सके विदाउट एनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, और हमारे ट्रैवलिंग जो बस इतना ही एक्सपेंसिव निकल जाए, ज़्यादा हमें चाहिए भी नहीं। सर, इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी बार में जो सभी उम्मीदवार हैं, उन सभी उम्मीदवारों से आपकी क्या उम्मीदें लगी हुई हैं? मेरी तो सभी उम्मीदवारों से यही उम्मीदें लगी हुई हैं कि हमें बस भूलना मत, वोट तक ही हमें बस याद मत रखना। बाकी मैं एक अपील ज़रूर करना चाहूँगा, हमारे भाई हैं गगन सिंह किलो, हमारे एजेंडा काफ़ी क्लियर हैं और काफ़ी अच्छे हैं, और हम उम्मीद रखते हैं, और भाई बोलते भी हैं कि मैं बना तो जूनियर्स को मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा, उनको याद रखूंगा, उनसे मिलूंगा, उनसे बातें करूंगा और उनकी परेशानियों तक मैं पहुंचूंगा और उनको सोल्व करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने। तो ऐसा माना जा सकता है कि आपकी वोट किलोड़ जी के लिए है? हाँ जी, गगन सिंह किलोड़, और मैं सभी से रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि आप भी गगन सिंह किलोड़ को सेक्रेटरी पद पे जिताएं और पूर्ण बहुमत के साथ उन्हें वोट एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद सर, आप थैंक यू। हम जानना चाहेंगे, जेबी शर्मा है, जेबी शर्मा जी जानना चाहेंगे, अभी जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में, क्या क्या उम्मीदें आम जो अधिवक्ता हैं उनकी उनसे इस समय है? अभी 16 तारीख को जो है हमारे चुनाव होने हैं जी, नई बॉडी अलॉट हो जाएंगी, कौन कौन आएंगे जी, उसमें हमें उम्मीद ये रहती है नए एडवोकेट्स को, जो सीट की सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है जी, अभी जो है सीटों के बारे में थोड़ा सा डिस्प्यूट हो गया था जिसमें फेयर जो है नहीं अलॉटमेंट हो रही थी जी, तो उसमें झगड़े हुए, अभी जो है सीट के ऊपर जो है झगड़े हो रहे हैं, अलॉट होने के बावजूद भी वो काम रुक गया है जी, तो हम भी यही चाहते हैं कि जो नए बच्चे हैं, नए एडवोकेट्स आ रहे हैं जिनको ये परेशानी आ रही है, वो फेयर जो है अलॉटमेंट यहाँ पर हो। दूसरा कि जो भी कोई झगड़ा कोई भी पुलिस से हो, कभी भी आए, तो वो किसी भी टाइम कॉल करने के बाद वो पहुंच जाए हमारे वकील साहब जी, जो प्रेसिडेंट साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, ये टाइमली वहाँ पर आ जाए जी। तो नए एडवोकेट्स को तो यही रहता है जी सीट का, चैम्बर्स का, क्योंकि इसकी बहुत भारी दिक्कत कोर्ट में अब चल रही है, जगह बहुत कम हो गई है हर जगह पर जी। इसके अलावा और क्या आपके मुद्दे हैं जिनको आप चाहते हैं कि जो नई बॉडी बने वो सुलझाए? उसमें एक तो पानी की समस्या है यहाँ पर, पीने का पानी, पानी पीने का जी, जो गर्मियों में बहुत दिक्कत रहती है हर एडवोकेट को, कई बार ज़्यादातर यहाँ खराब रहता है, आरओ सिस्टम है वो खराब रहता है, पानी साफ नहीं मिल पाता है, उसकी दिक्कत जो है कई बार यहाँ पर रहती है समस्या, एक साफ सफाई की समस्या जो है वो कम रहती है, पानी यहाँ भरा रहता है, गंदा सीवर का पानी है जो सारे में आकर स्मेल रहती है जी, बारिश आ जाती है, बारिश का पानी सारा इकट्ठा हो जाता है यहाँ पर, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एडवोकेट्स को दिक्कत आती है, तो वो जो है साफ सफाई का अब जो है हमारे नए जो भी बॉडी अलॉट होंगी वो ध्यान रखें। इस चुनावों में आपके अगर जानना चाहें पसंदीदा उम्मीदवार कौन है? पसंदीदा तो सर सारे ही हैं, हम तो सब चाहते हैं कि जो भी है अपने पूरी मेहनत से इसको लड़ रहे हैं, और देखते हैं जो भी होगा, हम उम्मीद रखते हैं वो अच्छे से अच्छा हमारा काम करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए। एडवोकेट अजीत पांचाल।
पांचाल जी, अभी इस समय जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के चुनाव है, नई बॉडी जो बनेगी, क्या उम्मीद रखते हैं आप उनके साथ? देखिए सर, हमारे यहाँ पे लगभग 8,000 एडवोकेट रजिस्टर्ड है। जी हाँ। और हमारी बार हरियाणा की सबसे बड़ी बार है। जी। और बार सबसे बड़ी है तो जाहिर सी बात है सीटिंग की दिक्कत आएगी। जी। तो हमें यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है सीटिंग की। हम चाहते हैं कि जैसे भी हो कुल मिला के अच्छा हो, और जो भी नए वकील आए उनके लिए सीटिंग की व्यवस्था की जाए। जी। ताकि भविष्य में नए आने वाले बच्चे हैं जो भी वकील बन के आ रहे हैं उनको बैठने के लिए अच्छा माहौल मिले और बार और बेंच में आपस में समन्वय बना रहे, बस यही हम उम्मीद करते हैं। पांचाल साहब, एक और यहाँ पे उम्मीद रखते हैं जो अधिवक्ता हैं कि जो हमारी हाई कोर्ट है उसकी भी एक बेंच स्थापित हो, क्योंकि उससे भी काफ़ी परेशानी उन्हें होती है। क्या आप भी समझते हैं इस तरह से? जी हाँ बिल्कुल। गुड़गांव में देखो जी, क्राइम बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे लगभग वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा है। और फिर हम हरियाणा में, मेरे ख्याल से चंडीगढ़ और गुड़गांव में काफ़ी डिफरेंस है जी। और गुड़गांव के ही मैटर ज़्यादा रहते हैं, हाई कोर्ट हमारे जो मैटर्स आते हैं हरियाणा के, सारे हरियाणा के एक तरफ, अकेले गुड़गांव के एक तरफ जी। तो इसलिए भी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भाई कम से कम है ना 2 से 3 मजिस्ट्रेट, यानी कि एक बेंच होनी चाहिए हाई कोर्ट की। चलिए, इसके अलावा कुछ और आप जो इस समय चुनाव लड़ रहे हैं अधिवक्ता, उनको कोई मैसेज देना चाहें अपनी तरफ से? भाई मैसेज यही है कि 16 तारीख को उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, 17 से वो अपना काम शुरू कर देंगे। और बस ज़्यादा से ज़्यादा चैम्बरों का और सीटिंग का और हमारे जैसे पीने के पानी वगैरह पे इन पर फोकस किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।